सो फाइनली गाइस हम लोगों को मिल चुका है नियॉन टोकन अनलिमिटेड। लेकिन गाइस आप सभी को भी कैसे मिलने के चांसेस है नियॉन टोकन, एंड बेसिकली तुम सब बोल सकते हो आप सभी को इवेंट को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नियॉन टोकन को कलेक्ट करना पड़ेगा। सो इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल्स एंड अपडेट दूंगा कैसे नियॉन टोकन को तुम सब कलेक्ट बारा कर सकते हो, अनलिमिटेड कैसे मिल सकता है। इसके साथ ही आप सभी को पता है BTS इवेंट के ऊपर पे आप सभी को एक क्रिस्टल टोकन देखने के लिए मिल रहा है। क्रिस्टल टोकन इवेंट को कैसे तुम सब कंप्लीट बारा कर सकते हो इस वीडियो के अंदर वो भी फुल डिटेल्स एंड अपडेट दूंगा। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाला, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू फर्स्ट से लास्ट तक वॉच करना और मास्ट चैनल को सब्सक्राइब करके आना। लगभग गाइस आप सभी को तो पता ही है हमारा इंडियन सर्वर के अंदर आप सभी को एक न्यू इवेंट देखने के लिए मिल गया था गाइस, ठीक है। बेसिकली तुम सब बोल सकते हो BTS क्रिस्टल टोकन कलेक्ट करने के लिए आप सभी को फास्ट कुछ ना कुछ आइटम आप सभी को परचेस करना पड़ेगा। सो इवो टोकन मैं परचेस कर लूँगा गाइस, ठीक है। सो गाइस 2000 डायमंड का कुछ आइटम मेरे को परचेस करना पड़ेगा, इसलिए मैं 2000 डायमंड का ही कुछ आइटम परचेस करूंगा। तुम सब आपके पास भी डायमंड वगैरह है तो परचेस वगैरह कर सकते हो गाइस, ठीक है। लेकिन इवेंट को कैसे तुम सब कंप्लीट करोगे वो मैं अच्छे से आप सभी के साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ। सो फर्स्ट तुम सब देख पा रहे हो मैंने परचेस कर लिया गाइस, ठीक है, 2000 डायमंड का। बेसिकली तुम सब बोल सकते हो इवो बॉक्स। सो अभी गाइस मैं जाके कुछ आइटम को एंड बेसिकली तुम सब बोल सकते हो क्रिस्टल टोकन को कलेक्ट कर लूँगा BTS इवेंट का, और एक मेल बंडल मेरे को बिल्कुल ही फ्री पे तो नहीं गाइस, ठीक है, 2000 डायमंड का कुछ आइटम को परचेस करने के बाद ही मिला है। ऑफ वगैरह आता तो अच्छा होता गाइस, ठीक है, तो मेरे को कुछ ज़्यादा आइटम ही क्लेम करने के लिए मिलता ऑफ इवेंट आता तो। सो गाइस तुम सब देख पा रहे हो मेरे को मिल चुका है क्रिस्टल टोकन गाइस, ठीक है, BTS क्रिस्टल टोकन। गाइस मैं बोल देना चाहता हूँ BTS क्रिस्टल टोकन आप सभी को फ्री पे नहीं मिलेगा, नहीं तो बहुत सारे बंदे आप सभी को बोल रहा था 7 बंडल में से एक बंडल आप सभी को बिल्कुल ही फ्री पे मिलेगा, 7 बंडल में से एक भी बंडल आप सभी को फ्री पे नहीं मिलेगा। और स्पिन करने के बाद भी गाइस, ठीक है, आपके लाख के ऊपर पे डिपेंड करता है कौन सा बंडल आपको मिलेगा। लेकिन ये 7 बंडल में से आप सभी को 100% एक बंडल मिलने वाला, लेकिन कौन सा बंडल मिलने वाला गाइस, ठीक है, वो लाख के ऊपर पे डिपेंड करेगा। मेरे को तो वो क्या बोलता है गाइस, ठीक है, बेसिकली मैं BTS इवेंट के ऊपर पे पिंक कलर का बंडल मेरे को अच्छा लग रहा है, देखता हूँ नहीं गाइस मेरे को अच्छा खासा बंडल नहीं मिला है गाइस, ठीक है। सो मैं अभी बंडल को ओपन करके भी आप सभी के साथ शेयर करूँगा कैसा बंडल होने वाला। मेरे को तो थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपका ए 7 बंडल में से कौन सा बंडल बेस्ट है एंड अच्छा लगा है मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बोलना। बंडल का फर्स्ट लुक भी देख लो गाइस, ठीक है। अभी गाइस हम लोग बात कर लेते हैं आप सभी को मैं बोला था नियॉन टोकन गाइस, ठीक है, आप सभी को कैसे अनलिमिटेड मिलेगा एंड कैसे अनलिमिटेड क्लिप बारा कर सकते हो। सो गाइस नियॉन इवेंट आज तुम सब बेसिकली बोल सकते हो हमारा इंडियन सर्वर के अंदर स्टार्ट हुआ है 25 मार्च से लेकर आप सभी को 1 अप्रैल तक डेली गेम प्ले करने के बाद अनलिमिटेड एक टोकन मिलने वाला। हाँ गाइस एक गेम खेलने के बाद गेम मैच के अंदर एंड मैच ड्रॉप के अंदर आप सभी को मिलने वाला 1 टोकन हर मैच ड्रॉप के अंदर मिलने वाला। उसके बाद ही 2 अप्रैल से आप सभी को 16 अप्रैल तक हर मैच के अंदर 2 टोकन करके मिलने वाला है। इसके साथ ही अनलिमिटेड आप सभी को एक मैच के अंदर 4 टोकन मिलने वाला, वो है 9 अप्रैल, ओनली एंड 9 अप्रैल पिक डे भी आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला हमारा इंडियन सर्वर के अंदर BTS इवेंट का। सो यही सारे टोकन कलेक्ट करने के लिए गाइस, ठीक है, आप सभी को यही सारे प्रोसेस वगैरह कंप्लीट करना पड़ेगा एंड इवेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। सो आप सभी को वीडियो कैसा लगा ऑब्वियसली मेरे को कमेंट करके बोलना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करके ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेकर गुड बाय।